जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं एक सोल्जर फेर्डाउस मंडाल और आप लोग देख रहे हो प्री डिफेंस एकेडमी। आज मैथ के ऊपर बात करेंगे, आज एक मैथ जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे, पर 4 से 5 सेकंड के अंदर कैसे क्यूब निकल सकते हो आप लोग। इंडियन आर्मी में 100% एक और दो क्वेश्चन आता है, नेचुरली दूसरा जो एग्जाम है उसमें भी ए आता है। तो दोस्तों 2 से 4 सेकंड के अंदर कैसे आप लोग क्यूब निकल सकते हो, इसके लिए आपको 2 से 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा वेट करो, इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों का। दोस्तों क्यूब जानने के लिए आपको 1 से 10 तक मतलब 10 तक क्यूब जानना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि 1 से 10 तक आप क्यूब नहीं जानोगे तो आपका एक क्यूब वाला फॉर्मूला आप नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। अभी देख लो बोर्ड के ऊपर मैं 1 से 10 तक क्यूब लिख रहा हूँ, आप लोग भी और नोटबुक में लिखो। 1 का कोई भी क्यूब मतलब 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना है 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 341 है, 8 का 512, 9 का 729 है, 10 का 1000। तो दोस्तों ये था क्यूब, आप लोग देख लो 1 से 10 तक एक क्यूब आपको जानना जरूरी है। और ये वाला आप हो जाओगे तो हो जाएगा, थोड़ा कैमरा नजदीक ले आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 1 से 10 तक आपको क्यूब आ गया, अभी कोई भी क्यूब आप निकल सकते हो सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर। अभी इसको देखने के लिए आपको एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे करना पड़ते है। 2621 44 आपका एग्जाम में आएगा, ऐसा एक ये है और ऐसा आएगा, आपको सिर्फ ये निकलना है, कैसे निकल सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो एक ऐसे आपको क्यूब निरसन करना है। अभी ये करने के लिए आपको इतना जरूरत नहीं है, जब आप लोग छोटा था बहुत ऐसा करके किया था, ऐसा किया था 2 6 2 1 4 4 ऐसा करके आप 2 से भाग देता था, ऐसे करके ऐसे किया था। पर अभी इतना टाइम नहीं है और इतना ये नहीं है, क्योंकि आपका टाइम सबसे ज्यादा कीमती है अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आपको मिलेगा और 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकालना है। तो दोस्तों क्यूब क्यूब का मतलब 3 होता है, और इसलिए हम इधर से 3 तक जो ये है ये लेके रहूंगा, ऐसा स्लैश कर दो नहीं तो ऊपर से नीचे से ऐसा कर दो, नहीं तो ऐसे स्लैश कर दो, कोई भी कर दो कोई बात नहीं। ऐसे करने के बाद सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये कितना है, ये जो ये है ये कितना है, 4 था। तो इधर 1 से 10 के अंदर जो एंड वाला ये है ये कौन सा है, ये 4 है एक का। तो ये 4 के मतलब ये वाला 4 है, ठीक है, ये लास्ट में जो 4 है, इसलिए इस 4 से इस जो है ये 4 हम लोग लेंगे और ये 4 हम लोग इधर बैठा देंगे। ओके अभी क्या रह गया, 262। दोस्तों 262 अभी रह गया, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका क्यूब का फॉर्मूला पूरा जानकारी में आ जाएगा। 262 किस किस चीज के अंदर आता है ये आपको देखना पड़ेगा। 262 मतलब 216 और 343 के अंदर 262 आता है, ऐसा करके होगा तो 216 के बाद 217 आएगा, ऐसा करके 218 आएगा, फिर 343 आता है, इसका मतलब कोई भी एक जगह से आएगा 262 ऐसा करके आपको आएगा। तो हम लोग कौन किस किस के बीच में ये देख लिया, हम लोग देख लिया ये 6 और 7 के बीच में है 262। तो आप लोगों का इसमें से छोटा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लेना है, 6 और 7 के अंदर जो छोटा है ऊपर अगले वाला हिस्सा वो लेना है। तो हम लोग इधर कौन लेंगे, 6 लेंगे, इसका मतलब इधर ये 4 था और उसके आगे ये आ गया कितना 6, मतलब ये 64 का क्यूब है दोस्तों।
एक किसका क्यूब है, 64 का क्यूब है। अब और एक एग्जाम्पल देख लेंगे, तो जिसको अभी तक पता नहीं चला शायद उसने भी पता चल जाएगा, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। दोस्तों ये था, अभी करना क्या है, पीछे से आपको तीन जो है ये वाला आपको इसका लास्ट कौन है देख लेना है, इसका लास्ट है एंड में है सेवन। तो दोस्तों इसमें सेवन है तो आपको इधर से सेवन को ले आना पड़ेगा। देखो तो सेवन एक यहाँ पे 27 का लास्ट में सेवन है, तो इधर का सेवन मतलब इधर थ्री है, तो आपको थ्री ऐसा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इधर रहेगा 571, 571 आपको किस किस के बीच में आया देखना पड़ेगा, 512 और 739 के 29 के अंदर क्या है 571 है, तो 571 तो इसके बीच में होगा, तो सबसे छोटा कौन है 8 या 9 के अंदर 8 है, आप लोगों को समझ में आ गया सर, तो अभी 8 लिखना है, तो इसका मतलब है 83 का क्यूब है कितना ए वाला। तो उम्मीद है आप लोगों का पता चल गया और ये आप लोगों का फॉर्मूला आ गया। तो मैं एक घर के लिए एक काम दे रहा हूँ, ये वाला काम आप कर लोगे तो जरूर ये कमेंट में डाल दो और मुझे पता चल जाएगा आप लोग ये फॉर्मूला सीख लिए हो। दोस्तों ये आपके घर के लिए काम दे रहा हूँ, 32, 76 और 8, 32, 76, 8 इसका आप क्यूब निरसन करो, ठीक है ये आप कर लो और इसका आंसर झटपट आप कमेंट में डाल दो, ठीक है 32, 76, 8 और एक बार देख लो 32, 76, 8। तो उम्मीद है दोस्तों आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका मैथ का जो ये फॉर्मूला आपका लाइफ में काम में आएगा, और कोई भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट में डाल दो, आपका मिल जाएगा आंसर। दोस्तों और जो नया मेहमान है उसके पास एक ही रिक्वेस्ट है, दोस्तों हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल वाला आइकॉन है घंटी को बजा दो। तो जय हिंद जय भारत, सब खुश रहो।